हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कच्ची आंबी की चटनी। इसके लिए मैंने लिया है, दो आंबी ली है मैंने, एक लहसुन की कली, 4 से 5 हरी मिर्च, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, धनिया पत्ती और साथ में मिंट लीव्स। ये मैंने अपने गार्डन से ही लेके आई हूँ, टेरिस पे मैंने लगाई हुई है मिंट लीव। इसमें आप प्याज भी ऐड कर सकते हैं, प्याज भी इसमें काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन मैं विदाउट अनियन बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमें इनकी जो स्टेम्स है ये रिमूव नहीं करनी, इसमें काफ़ी फ्लेवर होता है। जो नीचे की स्टेम्स है वो हम हटा देंगे और जो ऊपर की कच्ची स्टेम्स है वो हम रखेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मिक्सर ग्राइंडर का जार ले लेंगे, धनिया पत्ती ऐड करेंगे, आप काट के भी ऐड कर सकते हैं और ऐसे भी, मिंट लीव्स, एक लहसुन की कली, हरी मिर्ची हम ऐसे 2 पार्ट्स में तोड़ के ऐड करेंगे, सॉल्ट, ये आंबी एकदम कच्ची है, छोटी सी है, इसलिए मैं इसकी स्किन रिमूव नहीं करूँगी। अगर आप चाहे तो इसकी स्किन भी रिमूव कर सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही पीसेस में कट करके ऐड करूँगी। अगर आपको बिल्कुल बारीक पेस्ट में चटनी पसंद है, बिल्कुल अच्छी तरह से पीसी हुई, तो आप इस स्किन को रिमूव कर दीजिए, लेकिन मुझे ऐसी पसंद है दरदरी, इसलिए मैं स्किन के साथ ही ऐड करूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अब हम इसे दरदरा पीस लेंगे या जैसा आपको पीसना हो। अभी हम इसे और पीसेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और चटनी हमारी पिस के एकदम रेडी हो गया है। इसे सर्व कर लेते हैं। ये चटनी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और खाना पचाने में भी हमारी हेल्प करती है। इसे आप पकोड़ों के साथ, इडली के साथ, चीले के साथ, पराठों के साथ और खाने में कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। और जब हमें अवेलेबल हो कच्ची आंबी तो हमें ये ज़रूर बनानी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये कच्चे आम की चटनी की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।